माला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, अक्सर ये देखा जाता है कि शहनाज गिल जब कुछ अचीव करती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत सारे ट्रेंड करते हुए नज़र आते हैं, तारीफें करते नज़र आते हैं और बहुत कुछ शेयर भी करते हैं। जी हाँ, अल्टीमेटली देखा जाए तो खुशियाँ मनाते नज़र आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि शहनाज गिल के फैंस उनकी किसी उपलब्धि पर नाराज़ हैं? जी हाँ, नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, बार बार बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है और पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और शहनाज के लिए डिज़र्व नहीं करती थी। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फैंस कह रहे हैं कि शहनाज ये डिज़र्व नहीं करती थी। अदरवाइज़ इससे पहले ये देखा गया है कि हमेशा फैंस ने कहा है शहनाज डिज़र्व करती है और बहुत अच्छा किया और कॉन्ग्रेट्स और मुबारक हो और बहुत सारी चीज़ें। क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि शहनाज गिल ने कल मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन का खिताब जीता। जी हाँ, मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन बन गई। इससे पहले भी एक बार बन चुकी हैं चंडीगढ़ के लिए, लेकिन इस बार टीवी के लिए बनने का मौका आया। शहनाज गिल का नंबर भी आया। जी हाँ, नंबर 11 पर शहनाज गिल हैं मोस्ट डिज़ायरेबल वुमन की कैटेगरी में। लेकिन ऐसे में फैंस खासा नाराज़ हैं और उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी शहनाज ये डिज़र्व करती है, क्योंकि शहनाज को मिली है नंबर 11 पे पोजीशन। उनसे ऊपर रुबीना दलायक हैं और कई सेलिब्रिटीज़ हैं, निकी तंबोली है, और उन्हें लगता है कि क्या निकी तंबोली उनसे शहनाज से ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। कुछ और एक्ट्रेसेस हैं, जी हाँ, शहनाज से ऊपर 10 और नाम हैं। तो फैंस का ये कहना है उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं, और सच में उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो शहनाज से ऊपर होना डिज़र्व करते हैं, ऐसा लगता नहीं, हमें भी नहीं लगता। और शहनाज का नंबर आना, नंबर 11 पर आना, तो क्या शहनाज डिज़र्व करती है? तो हम भी फैंस के साथ यही मानते हैं कि शहनाज नंबर 11 की पोजीशन डिज़र्व नहीं करती हैं, शहनाज डिज़र्व करती हैं नंबर 1 नंबर 2। इतना तो समझ में आता है कि शहनाज से ऊपर कोई है, शहनाज नंबर 2 पर हो जाती तो समझ आता है। लेकिन वैसे तो उन्हें नंबर 1 की ही पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि जितना टीवी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो शहनाज का चार्म जो है वो सबसे ज़्यादा है, प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा है, पसंद लोग जो करते हैं वो शहनाज को सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसे में ये कैसे? जी हाँ, वैसे तो कुछ लोगों का ये भी कहना है जो हिटर्स हैं कि आपकी शहनाज इंडिया में रही कब, यानी शहनाज कनाडा चली गई थी तो वो यहाँ थी ही नहीं। या कुछ लोगों का ये कहना है कि टीवी पर काम ही कितना किया है जो टीवी पर जो है खिताब मिलेगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो लोग ये कह रहे हैं कनाडा वो सिर्फ अपने एक शूट के लिए गई थी, उसके बाद वो यहीं थी। और सेकंड चीज़ ये है कि टीवी पे स्पेसिफिक डेली सोप करने को टीवी पर काम करना नहीं कहते हैं। शहनाज जिस तरह के MVs कर रही हैं, एड्स कर रही हैं, सारी चीज़ें उनकी, वो शोज़ पर जा रही हैं, वो बिग बॉस में जाती रही हैं, वो और शोज़ में जाती नज़र आई हैं, तो इन सभी चीज़ों को टीवी पर रहना ही कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये हुआ, पता नहीं, हो सकता है कि वाकई में, वैसे ये पैमाना होना नहीं चाहिए, लेकिन वाकई में हो सकता है डेली सोप को देखते हुए। तो डेली सोप तो निकी तंबोली ने भी नहीं किया है, ऑब्वियसली फिर निकी तंबोली शहनाज गिल से ऊपर कैसे हैं? तो भाई फैंस इस चीज़ को लेकर खासा नाराज़ हैं। और अभी तक इसका रीज़न हमने भी पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्योंकि शहनाज को 11 नंबर की पोजीशन मिली, लेकिन सामने से अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। जैसे ही मिलेगा आपको बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई बात नहीं, खुश रहिए, 11 नंबर की पोजीशन मिली है। ऊपर नीचे एक बार होता है, या बाई चांस अगर कहीं कोई गड़बड़ की गई है तो वो भी एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है, बार बार होता है। तो शहनाज फैंस क्या करते हैं, शहनाज फैंस क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं। तो जी हाँ, एक बार है, 11 नंबर मिला है, खुश रहिए, अगली बार ज़रूर नंबर 1 शहनाज गिल होगी। और आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।